नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर लखनऊ से है, जहां राजधानी लखनऊ में बिजली विभाग कैरम प्रतियोगिता करा रहा है। इस प्रतियोगिता में मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कर्मी सहभागिता करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा कैरम एवं शतरंज प्रतियोगिता 2024 का आयोजन 5 से 10 अगस्त तक किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन आज मध्यांचल विद्युत वितरण के दफ्तर में किया गया। उद्घाटन के अवसर पर विकास चंद अग्रवाल, निदेशक कार्मिक मनोज बंसल, संगीता सक्सेना, मुख्य अभियंता मानव संसाधन इमरान उल हक, क्रीड़ा अधिकारी शक्ति भवन आशीष सिन्हा, गोमती नगर सर्किल अनुराग श्रीवास्तव अध्यक्ष, प्रदीप वर्मा उपाध्यक्ष, प्रतियोगिता समिति समेत कई खिलाड़ी मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर प्रतियोगिता समिति के पदाधिकारियों ने खेल प्रतियोगिता की जानकारी दी। ये मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड हर वर्ष 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक कैरम और शतरंज प्रतियोगिता आयोजित करता है। ये प्रतियोगिता हमारी आज यानी कि 5 अगस्त से आरंभ हो रही है और आगामी 10 अगस्त तक खेली जाएगी। इसमें हमारे लखनऊ के जितने भी ऑफिसर्स हैं मध्यांचल के अंदर जो आते हैं, और इसके साथ ही साथ मध्यांचल के लेसा के ऑफिस के साथ ही साथ शक्ति भवन मुख्यालय के भी जितने भी अधिकारी और कर्मचारी इसमें भाग लेना चाहते हैं वो भाग लेते हैं। इस वर्ष लगभग 100 खिलाड़ी शतरंज और कैरम में मिलाकर भाग ले रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि बिजली विभाग 24/7 काम करता है, 24 घंटे काम करता है। कर्मचारियों और अधिकारियों के ऊपर बहुत प्रेशर होता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिक्रिएशन की ज़रूरत है। इसके हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अधिशासी अभियंता रणवीर सिंह साहब, आपका बहुत सहयोग रहा। आप उपाध्यक्ष हैं, प्रतियोगिता समिति क्या कहना चाहेंगे, कितने पार्टिसिपेट लोग कर रहे हैं और किस तरीके की प्रतियोगिता कब से कब तक चलेगी? देखिए, ये प्रतियोगिता हमारी 6 दिन लगातार चलेगी। आज से शुरू है, 11 तारीख तक ये प्रतियोगिता हमारी चलेगी। पार्टिसिपेंट की लिस्ट तो क्योंकि अभी कुछ गड़बड़ भी रहे हैं, तो हम लोग उसको ऐसा नहीं है, हम लोग उसको भी ऐड कर रहे हैं। और इस प्रतियोगिता का सबसे खास बात यह है कि हम लोग इस बार जो है संविदा कर्मचारियों को भी जो है मोटिवेट कर रहे हैं, जो फील्ड पे हमारे ये वर्कर्स हैं, हमारे जो जो मीटर रीडर हैं और जो भी हमारे संविदा कर्मचारी स्किल्ड अनस्किल्ड हैं जितने भी हैं, इन लोगों को भी हम लोग मुख्य रूप से इनको वरीयता दे रहे हैं कि इन लोगों को भी स्पोर्ट्स में कैरम और चेस में भी इनको भाग लेने के लिए पूरी हम लोग अन किया है कि इन लोगों को भी लिस्ट में नाम डाला है कि इन लोगों को भी मौका मिलना चाहिए इस चीज़ के लिए। जो प्रतियोगिता की जा रही है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? प्रतियोगिता के मध्यांचल में प्रतिवर्ष होती है, इस बार ये उपलब्धि रही कि हमारे लगभग 100 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट हैं और हम लोग पूरे अनुशासन और खेल भावना के साथ इसका पूरा सफल आयोजन करने की हमारी प्राथमिकता है। और अच्छा माहौल देने के साथ साथ मतलब अच्छी चीज़ों को भी यहाँ पे लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट होंगे, और कुछ हमारे भारत के मतलब नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं उनके साथ जब निचले स्तर का कर्मचारी जुड़ेगा तो सेल्फ मोटिवेटेड होकर उसमें मतलब जो प्रतियोगिताएँ हैं या खेल हैं उनमें जरूर अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।